ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोनंज में आयोजित जनमंच में 80% से अधिक राजस्व से जुड़े मामले सामने आने के बाद मैराथन मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं पर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उपायुक्त हरिकेश मीणा ने अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। भोरंज में आयोजित जनमंच में 80% से अधिक राजस्व से जुड़े मामले सामने आने के बाद मैराथन मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं पर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उपायुक्त हरिकेश मीणा ने अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि जनमंच में राजस्व विभाग से जुड़ी अधिक शिकायतें सामने आई हैं। इन मामलों को निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान डीसी ने राजस्व अधिकारियों से आग्रह किया कि डिमार्केशन के लंबित मामलों पर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्टीशन, खान की विभाजन, लैंड अलॉटमेंट, डिमार्केशन तथा अधिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम नियमित तौर पर कानून को वृत्त और पटवार घरों का निरीक्षण करें। डीसी हरिकेश मीणा ने तहसीलदारों को पटवार खाना व राजस्व रिकॉर्ड की गहनता से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही हर पटवार वृत्त में खसरा गिरदावरी को शुद्ध करने को भी कहा है। राजस्व का डेफिनेटली पेंडेंसी काफी थी क्योंकि नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली थी, उसको लेके हम लोग जनमंच में इश्यू उठे थे और उनको एक दो पॉइंट्स की तो हमने इंक्वायरी भी बोली थी, तो हम लोग कर रहे हैं, उसको रिव्यू भी कर रहे हैं कि हम लोग क्या ऑगमेंट कर सकते हैं, क्यों इतनी सारी पेंडेंसी थी। और रही बीपीएल की जो मुंडखर पंचायत की कंप्लेंट की, वो आज ही मैंने वीडियोस और पंचायत इंस्पेक्टर के साथ रिव्यू किया कि इतनी क्यों पेंडेंसी है, और उसमें कुछ जो भी है सेक्रेटरी की या जो भी पंचायत का इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।